फालतू क्या निकालो? लेकिन हुजूर ने खुद मुझे बुलाया। यहाँ आने वाला हर शख्स यही कहता है, फालतू क्या निकालो? सिक्के नहीं है। तो भी तुम अंदर नहीं जा सकते। मेरा नाम महेश दास है, बादशाह ने स्वयं मुझे दरबार में आने को कहा है। हाँ हाँ, जरूर बुलाया होगा, मगर तुम्हें अंदर छोड़ने के लिए तुम्हें मुझे 5 सिक्के देने होंगे। मेरे पास तो 5 सिक्के नहीं है, पर ये देखो बादशाह की अंगूठी, उन्होंने स्वयं मुझे दी है। मैं तुम्हें अंदर जाने देता हूँ, पर एक शर्त है, अंदर बादशाह सलामत से जो भी इनाम मिले उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। ठीक है। इस साल बारिश न होने की वजह से फसलों से वसूले जाने वाला लगान माफ किया जाता है। अगला मसला, आप हमें बखूबी याद हैं, आप महेश दास हैं, बहुत ही चतुर। क्या इनाम चाहते हैं? आप मुझे देंगे जो मैं मांगूंगा? मिलेगा अन्नदाता, मुझे अपने पीठ पर चाबुक से 50 कोड़े चाहिए। 50 कोड़े? लहल लखपत, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? 50 कोड़े? तुम जा बनाकर हुजूर में खड़े हो? अरे भाई, इनाम मांगो, जेवर, खिरत, कपड़े, उम्दा खाने, जो तुम मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। धन्यवाद अन्नदाता, लेकिन मुझे 50 कोड़े ही चाहिए। हाँ? ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी, पर इस अजीब और गरीब फरमाइश की वजह? अन्नदाता, बाहर खड़े संतरी ने मुझे एक ही शर्त पर अंदर आने दिया कि बादशाह सलामत से मुझे जो कुछ इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे उसे देना होगा। इसलिए अन्नदाता, मुझे 50 कोड़े ही चाहिए। उस संतरी को पेश किया जाए। हमने सुना है कि तुम किले के दरवाजे की निगरानी बहुत मुस्तैदी से करते हो। जी जापन, तुम्हारे काम की इतनी तारीफ है कि शख्स ने अपने इनामात का आधा हिस्सा देने का वादा तक कर डाला, और हम इतने खुश हैं कि हमने फैसला किया है कि तुम्हें आधा नहीं बल्कि इसका पूरा इनाम दिया जाए। शुक्रिया जापना। हजूर, शुक्रिया। क्या तुम्हें यह जानने की ख्वाहिश नहीं कि इसने हमसे क्या मांगा? क्या जहां पना? इसने हमसे इनामात में 50 कोड़ की दरख्वास्त की है। रहम, सिपाहियों, रहम जा बना रहम। इसे ले जाओ और इसकी 50 कोड़ों की ख्वाहिश को अंजाम दिया जाए। रहम जा बना। ये बात चारों तरफ फैला दी जाए कि हुकूमत मुगलिया में बेईमानी और रिश्वत जैसे जुर्म की सख्त सजा दी जाएगी। आपका अंदाज बयां हमें पसंद आया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम आपको मुगलिया दरबार में शामिल होने की दावत देते हैं। गुस्ताखी माफ हो जापना, बेशक इस शख्स ने बड़ी अकलमंदी से काम लिया है,
पर इसका इनाम कतई ये मुनासिब नहीं है कि इसको दरबारियों में शामिल कर लिया जाए। हमें पूरा यकीन है कि यह शख्स मुगल दरबार की शान बन सकता है। आप इसकी समझदारी का इम्तहान क्यों नहीं ले लेते? सवाल पूछिए, अगर जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो हम इसे मुगल दरबार में शामिल करेंगे। अगर ना हुआ हुजूर तो यह सजा का हकदार होगा। और अगर जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो मुल्ला दो प्याजा। तो हुजूर, चांद की 2 तारीखों तक इसी दरबार में रोजाना इसे मैं अदाब अर्ज करता हूं हुजूर कहूंगा। ठीक है, सवाल पूछिए। जापना, मेरा सवाल जरा मुश्किल है। हाँ हाँ पूछिए श्रीमान। मेरा सवाल यह है, मुझे बताओ इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जापना, मैं बताता हूं कि ये क्या सोच रहे हैं। इस समय श्रीमान मुल्ला साहब के दिमाग में प्रभु से प्रार्थना घूम रही है। ये मांग रहे हैं, या खुदा अपनी रहमत से हमारे शहंशाह को रहम, दिमाग और अच्छी सेहत की बरकत दे। उनका इकबाल हम पर हमेशा हमेशा बना रहे। बादशाह सलामत, कृपया इनसे पूछिए कि क्या मेरा उत्तर सही था। क्या महेश दास का जवाब सही है? आप यही सोच रहे हैं? जवाब बिल्कुल सही हुजूर जापना, बिल्कुल मैं यही सोच रहा था। शातिर दिमाग, अदाब बजा लाता हुजूर। महेश दास के दिमाग